दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं दनवजीवन। मेरे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी, इनसे आज हम बात करेंगे। जो आज का हॉट मुद्दा वो ये है कि जनसंख्या कानून को लेकर यूपी में बेहद जल्दी कानून बनाया जाएगा और असम में लागू हो गया। असम में कहा जा रहा है कि दो बच्चे जिसके होंगे, दो से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, और उसके अलावा अपनी इच्छा है, दो से ज़्यादा अगर कोई करता है और सुविधा छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। लेकिन विवाद इस पर यह हुआ है कि नित्यानंद गिरी स्वामी हैं जो भाजपा समर्थक हैं, वो इस बात को कहते हैं कि अगर दो जनसंख्या कानून नहीं लाया गया तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। तो क्या जनसंख्या कानून इसलिए लाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है, या जनसंख्या कानून की ज़रूरत है देश में? इसी मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे और यूपी चुनाव को भी बात करेंगे। पंकज जी, आप किसको कैसे देखते हैं? क्या सबसे पहला सवाल ये कि आपको लगता है कि जनसंख्या कानून आना चाहिए? देखिए, वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग है कि जनसंख्या कानून आनी चाहिए। रह गई बात जो लोग इस पर हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा के 17 पुत्र हुए, स्वामी विवेकानंद 16 भाई बहनों में थे से एक थे। आप समझिए, सुभाष चंद्र बोस के 17 भाई बहन थे। तो पहले क्या हिंदू क्या मुसलमान सब में होता था, क्या सिख क्या बौद्ध क्या ईसाई, सभी जाति सभी धर्मों में ऐसी इसी तरीके से 16 16 17 17 होते थे। वर्तमान में आप लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये कोई मजाक का शब्द नहीं है, ये रियलिटी थी कि पहले लोग इसे भगवान की देन समझते थे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए, तो एक फैसला लिया कि परिवार नियोजन, लोग परिवार को छोटा करते गए, और ये श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाता है जिनकी दूरदृष्टि ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। इंदिरा गांधी उस समय परिवार नियोजन लाई थी, हम दो हमारे दो, और ये तो देन कांग्रेस की देन है। तो ये भाजपा वाले इस पर अगर राजनीति करते हैं तो सरासर गलत है। आप समझिए, जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, चूंकि संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं। अगर उसी समय परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ होता तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, आप समझ रहे? तो देश में दो से ज्यादा भाई बहन कैसे होते हैं? तीन भाई एक बहन है, ये बताइए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो संसाधन के हिसाब से जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन क्या जनसंख्या की वजह से हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है क्या? जब नरेंद्र गिरी जैसे ये बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में, इससे हिंदू धर्म कैसे खतरे में आ जाए? नरेंद्र गिरी, नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे जो भगवा वस्त्र पहनकर ये लोग ढोंगी भाजपा के दलाल और भरवे हैं, आप समझिए, ये जानबूझकर 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जानबूझकर अनर्गल बयान दिलाया जा रहा ताकि लोगों के ध्यान भटकाए जाएं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये भूल जाएगी? जिन बच्चों के सर से बाप का साया उठा है, जिन माँ बहन बेटियों से पति का साया छिना है, जिस माँ और बाप से उसका बेटा छिन गया है, जिस घर का चिराग बुझ गया है, क्या वो लोग इतनी आसानी से भूल जाएंगे? क्या वो देश के छात्र युवा बेरोजगार भूल जाएंगे? क्या देश का किसान, अन्नदाता किसान और मजदूर भूल जाएगा? तो सवाल, चाहे ये कुछ भी कर ले, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। जो इन लोगों ने एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत 2014 और 2019 में जो धर्म, जाति और देशभक्ति की फर्जी भावना भड़काकर चुनाव जीता और देश को गर्त में ढकेलना, देश की जनता अब इसे कतई मंजूर नहीं करेगी। आप ये कह रहे हैं समय की मांग है, जनसंख्या कानून आना चाहिए। मेरा सवाल यह है, चाइना में ने जनसंख्या कानून बनाया एक बच्चे का, उसके बाद दो का, उसके बाद तीन का। आपको पता है वहाँ क्या प्रॉब्लम आई? जी, वहाँ डिसबैलेंस इतना हो गया कि वहाँ लड़कियाँ पैदा नहीं हुई, लड़के लड़के हो गए, अब उन्हें वहाँ दुल्हन नहीं मिल रही। और हमारा देश ऐसा देश है जहाँ भ्रूण हत्या लड़कियों के मामले में इतनी होती है, आज भी ऐसे लोग हैं कि लड़की पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, लड़की पैदा होने के बाद भी मार देते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ जनसंख्या कानून लिया है और यहाँ पर ऐसा होता है तो फिर क्या करोगे? तो ये सरकार नियम लागू करने से पहले सरकार को ये गारंटी लेनी होगी कि जिनके दो बच्चे हैं उनकी सारी खर्चे सरकार को उठानी होगी, शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, नौकरी तक। बाकी जिनकी अपनी मर्जी है, तीन करें चार करें, वो देश के नागरिक रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार ये थोड़े ना कि हाँ आप वहाँ कर दीजिएगा कि युवाओं की जनसंख्या कम जाए, वहाँ महिलाओं की जनसंख्या बढ़ जाए, वहाँ पुरुषों की जनसंख्या कम जाए। आज देश में क्या है, दुल्हन नहीं मिल रही है। आप शादी का गैपिंग देखिए, सिर्फ ये बुरनत्या पर सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। सरकार कर क्या रही है?
सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटका रही है। आप देखते होइएगा, मदारी आता है, खेल लगाता है, मदारी का अपना पॉकेट मार होता है, मदारी का अपना सामान खरीदने वाला होता है, मदारी राग को मंजन समझ के बेच लेता है, उसी का आदमी चार पुड़िया खरीदता है, उधर पॉकेट मार, उसका पॉकेट मार लेता है। इतनी फिल्म हिंदुस्तान के लोग देखते और वो नहीं सीखते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या यूपी चुनाव की तैयारी चल रही है और यूपी चुनाव में क्या होगा इस बार? क्योंकि यूपी चुनाव भले ही 8 महीने हैं लेकिन भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है, आज भी लखनऊ में मीटिंग हो रही है। देखिए, भाजपा के नेता निर्लज्ज, बेशरम, अमानवीय, जालिम, दरिंदा और निष्ठुर है। जहाँ देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, पहली लहर, दूसरी लहर, कोई व्यवस्था नहीं। जब कोरोना से संज्ञान लेने की बात WHO कह रहा था 31 दिसंबर को, जब देश में 30 दिसंबर को पहला केस आया, 31 दिसंबर को WHO ने कहा ये दिल्ली चुनाव में व्यस्त था, ये ट्रंप की गुलामी में व्यस्त था, ये व्यापम घोटाला वाले वैक्सीन चोर, आटा चोर, कंस मामा की सरकार बनाने में मस्त था, ये हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में मस्त था, ये बिहार के चुनाव में मस्त था, ये बंगाल के चुनाव में डिडी मेरी नाट टट गई, प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोल रहा। देश में यही नहीं पता चलता है कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि ये भाजपा के मंत्री हैं। वेतन आप लीजिएगा देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसे से, आपका मंत्री भी लेगा, उसके वेतन भत्ता बढ़ा लीजिएगा और देश को कंगाल कर दीजिएगा, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरे नपुंसक हिजरों, जिस देश की पैसे खा रहे हो, नमक खा रहे हो, कम से कम देश की जनता के साथ तो नमक हरामी मत करो। अभी यूपी चुनाव की तैयारी करनी थी भाजपा वालों को, या तीसरी लहर की तैयारी करनी थी? इन्होंने अगर कोरोना से संज्ञान लेने की तैयारी की होती, सर्जिकल सामग्रियों को बाहर के देशों में नहीं बेचा होता, अगर इन्होंने वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में भारत को बीमार गुरु बना दिया, अगर ये वैक्सीन 71 देशों को बाहर नहीं भेजा होता, और ऑक्सीजन बाहर के देशों को आपने देखा होगा, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 9245,000 मैट्रिक टन इन्होंने भेजा, जो रिकॉर्ड तोड़ था, दोगुना से अधिक। तो देश में इतनी जाने जाती, अस्पतालों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। अभी क्या करना था भाजपा नेताओं को, जैसे ये जाते हैं चुनाव में नारा लगाते, हिंदू मुस्लिम करते, ऐसे इनको जाना चाहिए देश के सभी अस्पतालों में, बोलो सीताराम, लो ऑक्सीजन, लो दवाइयाँ, तो वो तो काम नहीं करते। देश की राजधानी कहना है कि अभी रद्द करने चाहिए चुनाव, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो कोई भी राजी नहीं है, विपक्ष तो ना बंगाल में रद्द करने की मांग कर रहा था, रद्द करने की मांग ही नहीं। अब फिर वही वाली बात आ गए ना, आप सरकार में कौन है? आप लोग भी भाजपा आईटी सेल की तरह बात मत क्या कीजिए, विपक्ष को भी तो आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष क्या करेगा भाई, सारे नेता डरे हुए हैं। बंगाल में चुनाव जीतने के बावजूद CBI ने रखेल बनकर काम किया, जिस मुकुल राय पर और शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की, अब तो मुकुल राय जी भी आ गए TMC में। अब क्या कहते हैं वहाँ राज्यपाल क्या कर रहा है, भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है राज्यपाल। वहाँ धनकर को शर्म नहीं है कि अस्पतालों का मुआयना करें और केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से मांग करें कि यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन हो, दवाइयाँ हो। तो ये भाजपा के लोग, अब देश की जनता समझ चुकी है चुनाव की तैयारी करने का समय है। तीसरी लहर आपसे पहली और दूसरी लहर संभला नहीं, कई जाने गई, कई घर वीरान हो गए, लोगों ने शमशान में बदल दिया, तो वो नहीं दिखाई दे रहा। अब ये जा रहे गांव-गांव घूम घूम के माहौल गर्म कर रहे, राख बेचने की कोशिश कर रहे, हवा मिठाई बेचने की कोशिश कर रहे, रस्सी को सांप बना के दिखा रहे, तो ऐसे काम चलेगा? चलिए आखिरी सवाल, छोटा सवाल है, क्या लग रहा है यूपी में क्या होगा अगर चुनाव होते तो, किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा का इंटरनल सर्वे बताया कि 100 से भी कम सीटें आएगी। आप समझिए, इस बार BJP का मुंडन साफ हो जाएगा, पूरी मुंडी साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में। चूंकि जो पूरे देश ने देखा, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, गंजे हो गए, पूरा निर्वस्त हो गए। सिर्फ बंगाल में भाजपा नहीं आ रही, CBI हारा, ED हारा, इनकम टैक्स हारा, चुनाव आयोग हारा, तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो भाजपा की दलाली कर रहे थे, जो भाजपा के हाथों की कठपुतली बने हुए थे, उन सब की हार थी, पूरी भाजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल की हार थी। तो यही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है, ये चाहे मर्जी जितनी जोर लगा लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये हमने बात करी पंकज श्रीवास्तव जी से,
जो यूपी में जनसंख्या कानून आ रहा है उसको लेकर, और यूपी में चुनाव आने वाले हैं, भले ही अभी टाइम है लेकिन यूपी चुनाव की ज़मीन है वो बननी शुरू हो चुकी है। भाजपा लगातार मीटिंग कर रही है लखनऊ में, इस महीने के अंदर दूसरी मीटिंग चल गई है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो जा रही है प्रधानमंत्री की लखनऊ के अंदर। तो साफ जाहिर है कि भाजपा पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है मैदान में, और हम भी यूपी चुनाव की तैयारी मैदान में उतर चुके हैं। सारी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।